बात ऐसी है कि कोरियन की तरफ से 2012 में आई हुई मूवी जस्ट अभी हिंदी डब्ड होकर आई है, जो कि आपको मे बी यूट्यूब में भी अवेलेबल मिल जाएगी, द थीव्स, इसमें कि 10 चोरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने इस मूवी को मेनली पर्पसली देखा क्योंकि मैं जब देख रहा था इस मूवी को, स्क्रॉल कर रहा था, तो अचानक से मुझे जो कई सारे एक्टर्स हैं कोरियन के जो मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत यंग एज में दिख रहे थे, तो मैंने उसको क्लिक किया तो पता चला वो 2012 की मूवी और अभी हिंदी डब्ड होकर आई है, जिसमें मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले जो बहुत ही छोटे, मतलब 10 साल पहले के पीछे। यार 2012 की मूवी, आप सोचो 10 साल 12 साल पुराने हैं वो लोग। क्या मस्त यार, क्या मस्त एक्टिंग, क्या मस्त तरीके से, क्या लुक दिख रहा है यार, मुझे बहुत पसंद आया भाई। इसलिए मेरे को पूरी मूवी भी देखनी पड़ी। मेनली थीम होता है, उसकी थीम है ना वो चोरी के ऊपर है, 10 लोग 10 चोरी करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो जानने के लिए उसको पूरी मूवी को देखना पड़ेगा। मेन पर्पस मेरा परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन देखने का था, जो मेरे फेवरेट कास्ट हैं, कैरेक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कास्ट हैं, उन सब का, और कुछ नहीं। और आज के टाइम इस स्टोरी की बात करूँ ना, प्रेजेंट टाइम तो ऑडियंस प्रो हो चुकी है। अगर यही 20 से 22 साल की ऑडियंस ली जाए ना, बहुत प्रो हो गई, बहुत एडवांस हो गई है वो। ऐसी थीम्स को ना आजकल ऐसी बहुत सारी बन चुकी हैं, 2012 के हिसाब से कितनी बन चुकी हैं, चलो दिल वाले ले लो, ठीक है, और बहुत सारी हिंदुस्तान है, बहुत सारी बन चुकी हैं। ऐसे बताऊँ तो मैं इस टाइम पे मूवी इस बारे में ना, इस कंसेप्ट पे तो इतना ही है कि प्रो तो उस टाइम देखता, 2012 में अगर कोई देखता तो हाँ वाह बवाल है, आग है, ऐसा कुछ कहता। प्रेजेंट में तो इतना ही कहेंगे हाँ चलो ठीक है, देख लिया, मुझे कैरेक्टर्स देखने थे मेरे फेवरेट और उनकी यंग एज देखनी थी तो मैंने उनको देख लिया। आज भी आज के टाइम पे भी अगर 2012 का मैं कोई कोरियन ड्रामा उठाता हूँ, उसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता है ना, उसको पूरी फुल टू फुल इन्जॉय करता हूँ। भले उस टाइम की थीम मैं बहुत सारी देख चुका, पर मेरे को पसंद आते हैं वो। अभी मेरे को दा शिशी गर्ल देखना है कोरियन ड्रामा, वो देखता हूँ फिलहाल टाइम निकाल के। ओके मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।